मॉर्निंग एवरीवन। आज हम आगे जो है कक्षा टेंथ के भारतीय कृषि के अंतर्गत खाद्य फसलों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने चावल और गेहूं के बारे में अध्ययन कर लिया था। अगले जो है प्रमुख खाद्य फसलों में नंबर 3 पर जो है वो है मक्का। मक्का की बात करें तो मक्का फसल जो है खाद्यान्न तथा औद्योगिक फसल के रूप में प्रयोग में ली जाती है। मक्का को खाद्यान्न व औद्योगिक फसल के रूप में उपयोग में लिया जाता है। खाद्यान्न के साथ इसका उद्योगों में भी अधिक महत्व है। उद्योगों में इसका उपयोग ग्लूकोज तथा स्टार्च बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ग्लूकोज तथा स्टार्च बनाने में मक्का का प्रयोग किया जाता है। मक्का उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। तो मक्का के उत्पादन में भारत वैसे पिछड़ा हुआ है, 10वां स्थान है। इसका उत्पादन कम होने के कारण मक्का का उत्पादन कम होने के कारण इसे निर्यात नहीं किया जाता है, अर्थात विदेशों में इसको नहीं बेचा जाता है। आगे बात करें मक्का के लिए भौगोलिक दशाओं की, तो भौगोलिक दशाओं में भौगोलिक दशा है भौगोलिक दशा में जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि भौगोलिक दशा में सबसे पहले जो है आता है तापमान। मक्का भारत में चावल के बाद दूसरी सबसे बड़ी खरीफ की फसल है। इसे पकते समय तापमान थोड़ी बहुत समय तापमान 12 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान उपयुक्त माना जाता है। तो मक्का की फसल के तापमान 12 डिग्री से 36 डिग्री तक तापमान उपयुक्त माना जाता है। 12 डिग्री से कम तापमान में तथा 36 से 40 डिग्री के ऊपर तापमान में इसका उत्पादन करना संभव नहीं होता है। आगे बात करें हम वर्षा की। वर्षा तो इसके लिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा उत्तम मानी जाती है तथा इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई के द्वारा इसका उत्पादन किया जा सकता है। वर्षा कम होने पर सिंचाई के माध्यम से इसका उत्पादन किया जा सकता है। आगे बात करें मृदा या मिट्टी की, तो मृदा नाइट्रोजन युक्त मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है या अच्छी मानी जाती है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में मौजूद हो वह इसके लिए मृदा अच्छी मानी जाती है। तो मक्का जो है खाद्य व औद्योगिक फसल है, जिसमें ग्लूकोज तथा स्टार्च की मात्रा होने के कारण इसका
आया तो निर्यात भी किया था, उद्योगों में इसका प्रयोग किया था। मक्का के उत्पादन में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। मक्का उत्पादन कम होने के कारण इसे विदेशों में निर्यात नहीं किया जाता। भौगोलिक दशा की बात करें तो तापमान 12 डिग्री से 36 डिग्री सेल्सियस के मध्य तापमान इसके लिए उपयुक्त माना जाता है। वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा इसके लिए उपयुक्त होती है या उत्तम मानी जाती है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा होने पर सिंचाई के द्वारा भी मक्का का उत्पादन किया जा सकता है। मृदा नाइट्रोजन युक्त मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। आगे हम बात करें इसके उत्पादन की या उत्पादक राज्यों की, तो पहला नाम आता है आंध्र प्रदेश का। भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन जो है आंध्र प्रदेश करता है, सर्वाधिक मक्का का उत्पादन करने वाला राज्य। तो भारत में सर्वाधिक मक्का का उत्पादन आंध्र प्रदेश राज्य करता है। ये संपूर्ण भारत के 19.30% भाग का उत्पादन अकेला मध्य आंध्र प्रदेश राज्य करता है। इसके बाद बात करें हम दूसरा राज्य जो है वो राज्य आता है कर्नाटक। आंध्र प्रदेश से बात कर्नाटक मक्का के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है और ये संपूर्ण भारत का 16.8% लगभग 16.8% जो है मक्का का उत्पादन करता है। उसके बाद हम बात करें तो तीसरा स्थान जो है राजस्थान का आता है और राजस्थान संपूर्ण भारत का लगभग 10.4% करता है। वैसे 10.34 है लेकिन लगभग में हम माने तो 10.4% जो है उत्पादन करके तीसरे स्थान पर है। उसके बाद जो है उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे राज्य इसमें शामिल है। अगर हम बात करें मक्का के उत्पादन की राजस्थान में, तो राजस्थान में मक्का के उत्पादन में प्रमुख जिले जो है हम शॉर्ट में उसको कह सकते हैं KBBJ, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ राजस्थान में मुख्य रूप से मक्का का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जो है दक्षिणी पूर्वी भाग मक्का के उत्पादन में प्रमुख है, जिसके अंतर्गत जो है प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ आदि जिले सम्मिलित किए जाते हैं। एक बात और, मक्का जो है भारतीय पौधा नहीं है। इस पौधे को जो है पुर्तगाल से लाया गया था, अर्थात पुर्तगाली लोग इस पौधे को भारत में लेके आए थे, तो ये पौधा जो है पुर्तगाल से लाया हुआ पौधा है। आगे बात करें खाद्यान्न फसलों में, तो बाजरा बाजरा की फसल का प्रयोग जो है भारत में खाद्यान्न व चारा फसल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जबकि विश्व के विकसित देशों में बाजरा का प्रयोग सिर्फ चारे के रूप में या पशुओं को
भोज्य के रूप में खिलाया जाता है, लेकिन भारत की जो है क्षेत्र में इसका उपयोग खाद्य फसल और चारा फसल के रूप में किया जाता है। भारत बाजरे के उत्पादन में, बाजरे के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान पर है। अर्थात भारत विश्व में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश है। बात करें हम भौगोलिक दशाओं की, बाजरे की, तो भौगोलिक दशाओं में पहला तापमान, बाजरे के लिए तापमान जो है 25 से 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त माना जाता है। इस तापमान में बाजरे की फसल अच्छी पैदा होती है और राजस्थान में ये सारी दशाएं उपयुक्त मात्रा में पाई जाती है। इसके अलावा बात करें बाजरे में मृदा की, तो मृदा जो है हल्की दोमट व कछारी मिट्टी, हल्की दोमट बलुई व कछारी मिट्टी में इसका उत्पादन आसानी से किया जा सकता है। वर्षा की बात करें तो ये 40 से 60 सेंटीमीटर वर्षा में भी आसानी से उत्पादन इसका किया जा सकता है, तथा इससे कम वर्षा होने पर सिंचाई के साधनों के माध्यम से मक्के का उत्पादन किया जा सकता है। बात करें उत्पादित राज्यों की, उत्पादित राज्य अर्थात मक्का के उत्पादित राज्य या मक्का का उत्पादन करने वाले राज्यों की, तो मक्का के उत्पादन करने वाले राज्यों में राजस्थान संपूर्ण भारत का सर्वाधिक मक्का उत्पादन करके प्रथम स्थान पर है। संपूर्ण भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक बाजरा, सर्वाधिक बाजरा उत्पादन कर प्रथम स्थान पर है। यह संपूर्ण भारत का लगभग 42% बाजरा का उत्पादन करता है। यह संपूर्ण भारत के लगभग 42% बाजरे का उत्पादन कर राजस्थान भारत में बाजरे के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश दूसरा स्थान आता है। मध्य प्रदेश का मध्य प्रदेश 20% बाजरे का उत्पादन दूसरे स्थान पर है। तीसरे स्थान पर बात करें तो गुजरात 12.5% उत्पादित कर तीसरे स्थान पर मक्का उत्पादित करने वाले बाजरा उत्पादित करने वाले राज्यों में आता है। इसके आगे हम बात करें तो इसके अतिरिक्त अन्य कई राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, इत्यादि।
इत्यादि राज्य जो है बाजरे का उत्पादन करते हैं। बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक किया जाता है, जिसमें बाड़मेर का प्रमुख स्थान है। इस प्रकार यहाँ पर हमारे राजस्थान की भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें कोर्स के अनुसार समाप्त होती है। इसके आगे हम जो है भारत की औद्योगिक फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में, जल्द ही मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।